वेलकम एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और पॉलीनोमियल के बारे में पढ़ लिया था। इस क्लास में हमने बोला था कि लीनियर इक्वेशन शुरू करेंगे, लेकिन जस्ट उसके पहले कुछ पॉलीनोमियल को हम लोग को डिवीजन करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स क्या होता है? मेरा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर यानी जिसका एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटी क्या होना चाहिए? एक्सपोनेंट्स होना चाहिए किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब पॉलीनोमियल्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं डिग्री के बेसिस पे और टर्म्स के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे पहले इसको डिवाइड करते हैं। और दूसरा टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो डिग्री के बेसिस पे जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो द फर्स्ट वन इज लीनियर, सेकेंड क्वाड्रेटिक, थर्ड वन इज क्यूबिक एंड फोर्थ वन इज बाय क्वाड्रेटिक। लीनियर का अर्थ होता है कि द हाईएस्ट पावर इज वन, यानी एग्जांपल में मेरा x होगा हाईएस्ट पावर, x के कॉम्बिनेशन में होगा या x प्लस y इस तरीके के टर्म में होगा। क्वाड्रेटिक में मेरा एग्जांपल होता है x स्क्वायर के टर्म में होगा, क्यूबिक में मेरा x क्यूब हाईएस्ट पावर होगा और बाई क्वाड्रेटिक में मेरा x के पावर 4। यहां पे हम लोग देख रहे हैं ये जो मेरा 4 है, ये 3 जिसको हम एक्सपोनेंट करते हैं, ये 2 है, 1 है, यही मेरा डिग्री होता है, ठीक है। इसी को हम लोग डिग्री कहते हैं जो हाईएस्ट पावर है। अब टर्म्स के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस हम देखते हैं द फर्स्ट वन इज मोनोमियल्स, यानी जिसमें सिर्फ एक टर्म्स है। द सेकेंड वन इज बाइनोमियल्स एंड द थर्ड वन इज ट्राई नो मियल्स, ओके। तो मोनोमियल्स का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, यानी सिंगल, या तो 6 हो या 5x हो। अब कुछ को क्वेश्चन होगा कि क्या 6 को हम पॉलीनोमियल कर सकते हैं? जी हाँ, हम उसको पॉलीनोमियल कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे बाइनोमियल्स में मेरा दो टर्म, जैसे आप लोग फैमिलियर होंगे इस टर्म से x प्लस y, ठीक है। यहाँ पर दो टर्म, इसका एक्सप्रेशन कितना बढ़ेगा इसमें। और ट्राइनोमियल्स मेरा तीन टर्म हो, कुछ भी हो सकता है, x y प्लस z, सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं देना चाहिए, प्लस कुछ भी 6 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तीन टर्म्स हुआ। टर्म्स कहने का मतलब है मेरा ये एक टर्म, ये दो टर्म, ठीक है। ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म, ये दो टर्म, ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा हुआ और ये थर्ड टर्म हुआ। तो हमने देखा कि पॉलीनोमियल्स को डिग्री और टर्म्स पे हम लोग तीन दोनों पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डिग्री होता है मेरा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, और मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। सिलेबस में हमको ये दो चीज पढ़ना है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, और दूसरा है मेरा बाइनोमियल्स, जिसको सेक्शन 2 में पढ़ना है, जिसको सेक्शन 1 में पढ़ना है। अब हम लोग शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल,
ठीक है। इसमें कुछ टर्म को क्लियर कर लेते हैं। लीनियर का मतलब होता है मेरा जहां पे हाईएस्ट डिग्री वन होना चाहिए। डिग्री मेरा क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री नहीं बोलना चाहिए, हाईएस्ट पावर यानी डिग्री वन होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल का मतलब होता है मेरा जहां पे कोई एक वैल्यू हो, एक अननोन का ही यूज हो रहा हो, एक्स का यूज हो रहा हो या वाई का यूज हो रहा हो। और इक्वेशन का अर्थ होता है मेरा जब दो सेट दिया हुआ है यानी कि एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू समथिंग लाइक नाइन, ठीक है। यहां पे क्या है मेरा LHS और RHS को इक्वल टू के साइन से दिया गया, इक्वल टू के साइन के साथ दिया गया है। ये मेरा इक्वेशन बताता है कि इक्वेशन होता है। अब इसमें अगर एक टर्म हम लोग निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम लोग को पहले ही पता है x इज इक्वल टू नाइन माइनस सिक्स यानी थ्री होता है, ठीक है। x का वैल्यू मेरा थ्री निकल रहा है। ये लीनियर इक्वेशन ही वन वेरिएबल है। टू वेरिएबल में क्या होता है, x प्लस y का यूज होता है, और थ्री वेरिएबल में मेरा x प्लस y प्लस z इसका यूज होता है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम है मेरा कि सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर इज 10, ओके। वन इज वन नंबर, ये यहां पे लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर इज 2 more than second number। अब क्वेश्चन में यहां पे आएगा फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। इसमें पूछ रहा है कि आप नंबर बताइए, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन ही वन वेरिएबल का प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं लेट, ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो सेकेंड नंबर क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरा सेकेंड नंबर होगा x प्लस टू। नाउ क्या दे रहा है कि ये दोनों का सम मेरा 10 आएगा, ठीक है। तो x प्लस टू इज इक्वल टू 10। नाउ यहां पे इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, पहला इक्वलाइजिंग मेथड होता है और दूसरा होता है मेरा ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड का मतलब होता है कि x को हम वन साइड में लिखेंगे और जितने भी जो टर्म्स है कॉन्स्टेंट है उसको RHS के ले जाते हैं, RHS के साइड ले जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 10। अब क्या होता है यहां पे मेरा कि जब भी हम किसी टर्म को, जैसे ये मेरा 2 है, इस 2 को अगर RHS के साइड ले जाएंगे या किसी भी टर्म को LHS के साइड आएंगे तो यहां पे मेरा साइन चेंज होगा। अब क्या होगा कि अगर प्लस है तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाने पर यह माइनस बन जाएगा, माइनस है इज इक्वल टू के तरफ जाने पे प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई मेरा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और डिवाइड मेरा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ट्रांसपोजिंग मेथड है। कौन सा मेथड है, ट्रांसपोजिंग। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जब टू आरएचएस के साइड जाएगा तो ये मेरा 8 आ जाएगा, ठीक है, और ये मेरा 2x होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है 4, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट नंबर था वो क्या है मेरा 4, और जो मेरा सेकेंड नंबर था वो आएगा मेरा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो ये प्रॉब्लम हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के रूप में मान के सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं आपको, आप इसे घर पे सॉल्व करें और आंसर को कमेंट बॉक्स पे पोस्ट करें। तो क्वेश्चन है मेरा कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन है द पेरी
द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 14। अब आगे दिया हुआ है मेरा कि एंड द विड्थ, ठीक है, द विड्थ ऑफ गिवन रेक्टेंगल इज 3/2 upon 4। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब आप सबको पता होगा कि रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से मेरा होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके के सिर पे रेक्टेंगल रहता है मेरा, और पेरिमीटर का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, पी इज इक्वल टू 2l + b, ठीक है। आप इसे सॉल्व करें,